Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says figure shows a smooth track which consists of a straight inclined part of length L joining smoothly with the circular part. A particle of mass small m is projected up the incline from its bottom. Find the minimum projection speed V naught for which the particle reaches the top of the track. Fine. So diagram दे रखा है, इस तरह से diagram दे रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास inclined linear part of the track है और फिर यहाँ से सर्कुलर पार्ट है ऑफ द ट्रैक. सो एक पार्टिकल है ऑफ मास स्मॉल m जिसे हम इनिशियली v नॉट स्पीड प्रोवाइड करते हैं सो दैट इट कैन रीच टू द टॉप ऑफ द ट्रैक. ये जो v नॉट है ये मिनिमम है, राइट? मिनिमम है मतलब जब आपका जो पार्टिकल है टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा सो उसका जो स्पीड होगा वो जीरो हो जाएगा. मीन्स द पार्टिकल इज जस्ट एबल टू रीच टू द टॉप ऑफ द ट्रैक. और टॉप ऑफ द ट्रैक कहाँ पे लाई करेगा? इस सर्क्युलर पार्ट के जो टॉप मोस्ट पॉइंट है. आप देखो ये जो सर्कल है इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे आपका हाईएस्ट पॉइंट और यू कैन से टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक लाई करेगा, राइट? और ये जो इंक्लाइन सरफेस है और ये जो पूरा ट्रैक है ये क्या है? स्मूथ है. मीन्स फ्रिक्शन नहीं होगा यहाँ पर. फाइन. सो वी नॉट निकालना है. कैसे निकाल सकते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट? सो कितने फोर्सेस लगेंगे इस ब्लॉक पे? एक तो mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. नाउ वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो. सिर्फ mg का वर्क होगा. नॉर्मल रिएक्शन का वर्क जीरो क्यों होगा? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन किसी भी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा. इवन सर्कुलर ट्रैक पे देखो तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो रेडियल डायरेक्शन में होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा. सो किसी भी इंस्टेंट पे नॉर्मल रिएक्शन का वर्क नहीं होगा, सिर्फ mg का वर्क होगा विच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. एंड इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क देन वी कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी विच मीन्स चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो विच मीन्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो. चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक. फाइन. कहाँ से कहाँ तक लगाना है हमें? इनिशियल टू फाइनल. इनिशियल पोजिशन कहाँ है? जहाँ से आपका ब्लॉक स्टार्ट करेगा. कहाँ से स्टार्ट करेगा? बॉटम से. जो बॉटम है इस ट्रैक का यहाँ से दिस इज माई इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन विल बी द टॉप ऑफ द सर्कल. सो यहाँ से हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं. सो डेल्टा यू विल बी एम जी डेल्टा एच, राइट? डेल्टा के विल बी के फाइनल माइनस के इनिशियल. नाउ एम जी डेल्टा एच, डेल्टा एच की बात करो सो ये आपका एच फाइनल हो गया और ये आपका एच इनिशियल है, राइट? सो देखो कैसे निकाल सकते हैं हम. एक तो हम इसे ना दो पार्ट में करना पड़ेगा. आप देखो यहाँ से यहाँ तक जो लीनियर पार्ट है, लीनियर इंक्लाइंड पार्ट है, वहाँ का हम आसानी से निकाल सकते हैं हाइट. ये हाइट, ये हाइट कितनी होगी? ये एंगल थीटा है और ये लेंथ एल है. सो ये जो हाइट होगी सामने वाली ये होगी एल का साइन थीटा. नाउ व्हाट अबाउट दिस हाइट? ये हाइट कैसे निकालेंगे? जो जहाँ से आपका सर्कुलर पार्ट स्टार्ट हो रहा है टू द टॉप ऑफ द सर्कल, है ना, ये हाइट कैसे निकालेंगे? ये जो बची हुई हाइट है. सो लेट मी यूज़ अ बिगर डायग्राम. थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं सो थोड़ा आसानी होगी हमें ये निकालने में. इस तरह से हमारे पास सर्कुलर पार्ट है और यहाँ पे लीनियर इंक्लाइंड पार्ट है, राइट? और ये जो है स्मूथली जॉइंट है. स्मूथली जॉइंट का मतलब है कि जिस पॉइंट पे आपका जो लीनियर पार्ट है ये सर्कुलर पार्ट को टच करेगा दैट विल बी टेंजेंट. मीन्स जो लीनियर पार्ट है वो सर्कुलर पार्ट पे टेंजेंट होगा. सो यहाँ पे ये जो लीनियर पार्ट है ये टेंजेंट है इस सर्कल के, राइट? और ये एंगल आपको कितना दे रखा है? थीटा. और हमें कौन सी हाइट चाहिए? हमें चाहिए यहाँ से जहाँ से आपका सर्कुलर पार्ट स्टार्ट हो रहा है टू द टॉप ऑफ द सर्कल, ये हाइट हमें चाहिए. सो देखो अगर मैं ये सेंटर लेता हूँ सर्कल का और इस तरह से इस डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ सो ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, क्योंकि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, राइट? और ये एंगल कितना होगा? ये एंगल थीटा होगा बिकॉज ये एंगल थीटा है. सो देखो लेट मी एक्सटेंड इट. ये एंगल थीटा होगा और ये पूरा कितना है? ये पूरा 90 है. सो ये एंगल कितना हो गया? ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, राइट? ये 90 था सो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये भी 90 होगा और ये एंगल थीटा है सो ये 90 माइनस थीटा. सो ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल थीटा हो गया. अब देखो ये वाले ट्रायंगल में ये एंगल थीटा हो जाएगा. सो अब तो सिंपल है. इस तरह से हमारे पास एक सर्कल है और हमें कौन सी हाइट चाहिए? यहाँ से यहाँ तक की हाइट चाहिए सच दैट कि ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है. सो हमने कई बार निकाला है, राइट? ये तो आपका टोटल रेडियस हो गया और ये जो हाइट है ये वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाली ये कितनी है? ये है, ये है आर का कॉस थीटा, आर का कॉस थीटा. सो जो ये वाली हाइट है जो बची हुई जो हमें चाहिए ये कितनी होगी? आर वन माइनस कॉस थीटा. फाइन.
सो टोटल जो डेल्टा एच है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है और ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है। सो देखो यहाँ से यहाँ तक आपका ये वाला हाइट है एल का साइन थीटा, राइट, और ये जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। फाइन, सो डेल्टा एच विल बी एल साइन थीटा प्लस आर वन माइनस कॉस थीटा। सो यहाँ से क्या आ रहा है, एम जी डेल्टा एच, राइट, डेल्टा एच का वैल्यू हमें पता है, प्लस के फाइनल, के फाइनल विल बी जीरो, इजंट इट। फाइनली आपका जो ब्लॉक है वो रेस्ट में आ जाएगा जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ हाफ ऑफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, राइट, इनिशियली हमने उसे वी नॉट प्रोवाइड की थी स्पीड, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से आ रहा है एम जी डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर। सो एम एम कैंसिल कर दो। सो यहाँ से वी नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी इंटू डेल्टा एच का रूट, राइट, और डेल्टा एच का वैल्यू आप पुट कर सकते हो। सो अंडर रूट टू जी डेल्टा एच, सो दैट विल बी डेल्टा एच कहाँ गया, ये रहा। सो जो वी नॉट आ रहा है दैट इज अंडर रूट टू जी, और डेल्टा एच का वैल्यू होगा एल साइन थीटा प्लस आर वन माइनस कॉस थीटा। सो इस तरह से हम निकाल सकते हैं द मिनिमम स्पीड। फाइन, पार्ट बी की बात करते हैं। एज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्शन स्पीड इज ट्वाइस ऑफ वी नॉट एंड दैट द ब्लॉक डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक बिफोर रीचिंग इट्स टॉप, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट रीचेस द टॉप। फाइन, सो इस बार हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो स्पीड है, जो इनिशियली हम इसे बॉटम पे जो स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज टू वी नॉट, मीन्स जो जो हमने वी नॉट निकाला था उसकी जगह टू वी नॉट प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स डबल ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सो जब ये टॉप पे होगा सो हमें इस पे निकालना है कि कितना फोर्स एक्ट करेगा। अब देखो इसमें सिर्फ फोर्स लिखा हुआ है, इन द प्रॉब्लम ही हैज मेंशन दैट फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब कौन सा फोर्स है, ये नेट फोर्स है, मीन्स इट इज़ नॉट मेंशन दैट फाइंड आउट द फोर्स यू नो एग्जर्टेड बाय द ट्रैक। नॉर्मल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा है वो, ही इज़ जस्ट आस्किंग द फोर्स, और अगर सिर्फ फोर्स लिखा है सो वी हैव टू टेक इट एज अ नेट फोर्स। सो हमें ये बताना है कि नेट फोर्स कितना लग रहा है उस पर, राइट। और एक चीज़ और मेंशन है दैट द ब्लॉक डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक। अगर कॉन्टैक्ट लूज नहीं हो रहा है बिटवीन द ट्रैक एंड द ब्लॉक, वॉट डज दैट मीन, कि ये जो ब्लॉक है अभी भी एक सर्क्यूलर पाथ में मूव कर रहा है। इफ़ देयर इज कॉन्टैक्ट बिटवीन द ट्रैक एंड द ब्लॉक एंड द ट्रैक इज सर्क्यूलर, मीन्स आपका जो ट्रैक है वो सर्क्यूलर है और जो ब्लॉक है वो इसकी सरफेस पे मूव कर रहा है, राइट, क्योंकि कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं हुआ है। इसका मतलब कि इसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, इस इंस्टेंट पे सर्क्यूलर होगा। सो अगर सर्कुलर पाथ में ये पार्टिकल मूव कर रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो एक तो एम जी लगेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी रेडियल डायरेक्शन में ही आएगा। नॉर्मल रिएक्शन और एम जी का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी रेडियल डायरेक्शन में ही आएगा, और रेडियल डायरेक्शन में वॉट इज द नेट फोर्स इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्क्यूलर पाथ दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर। सो इस इंस्टेंट पे अगर मैं इस पार्टिकल का स्पीड वी एज्यूम करता हूँ सो जो नेट फोर्स आएगा इन रेडियल डायरेक्शन दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर बिकॉज दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्क्यूलर पाथ। सो हमें क्या निकालना है, एम वी स्क्वायर बाय आर, और वी क्या है, स्पीड। सो एम बाय आर तो ठीक है, अगर हम वी निकाल लें किसी तरह तो हमारा काम बन जाएगा। और वी कैसे निकालेंगे, अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ पे हमें स्पीड पता है, यहाँ पे स्पीड निकालनी है। सो आप देखो इस बार हमें डेल्टा एच भी पता है, ये पूरा जो है डेल्टा एच वो भी हमने निकाल लिया है। सो अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करते हैं, और अल्टीमेटली क्या आएगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दैट इज इक्वल टू जीरो। सो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो। नाउ डेल्टा यू विल बी एम जी डेल्टा एच प्लस के फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर, यहाँ पे जो स्पीड होगा, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम इंटू ट्वाइस ऑफ वी नॉट का स्क्वायर, मीन्स फोर टाइम्स ऑफ वी नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। सो एम जी डेल्टा एच का वैल्यू तो हमें पहले ही निकाल लिया हमने, राइट, एम जी डेल्टा एच कहाँ गया, ये देखो यहाँ से एम जी डेल्टा एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, राइट। सो ये पुट कर देते हैं, सो एम जी डेल्टा एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ, कितना आ रहा है ये, टू एम वी नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। सो एम कैंसल हो रहा है, राइट, सो वी स्क्वायर बाई टू, वी लेट मी राइट हेयर, वी स्क्वायर बाई टू दैट इज इक्वल टू टू वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ वी नॉट स्क्वायर। सो चेक करो ये कितना आ रहा है, फोर थ्री
by 2 into v naught square, that is v square by 2. So yahan se 2 cancel ho raha hai, so v is equal to under root 3 v naught, right? So simple hai. Aap dekho, yahan pe hame speed pata hai, hame kya nikalna hai, mv square by r. So jo net force lag raha hai particle pe at the top, that is m into v square means under root 3 into v naught. Okay, just a second, I will be back. Okay, sorry for the inconvenience. So, okay, fine. Yahan pe hum discuss kar rahe the. Net force, that will be m v square upon r. So, that is 3 of m into v naught square upon r. Aur v naught hume pata hai, right? Humne v naught already nikal liya hai. V naught ye raha. So, ye jo value hai, aap yahan pe put kar do. So, aapka answer aa jayega, fine. So, option C ki baat karte hain. Assuming that the projection speed is only slightly greater than v naught, where will the block lose contact with the track? Okay, fine. So, ye to kafi simple hai. Ye humne, you know, pehle hi discuss kar liya hai. What will happen? Agar hum is tarah se, yahan pe initially, ise provide karein, just greater than V0, then what will happen? Dekho, jab humne V0 provide kiya tha, so ye jo block tha, ye topmost point pe jaake stationary ho gaya tha, right? Agar hum slightly greater than V0 provide karenge, so kya hoga? Ye topmost point pe jayega, aur yahan pe aisa lagega ki is block ko humne topmost point से rest से release किया है, right? Slightly greater than means यहाँ पे पहुँचने के बाद ये जो block है अब rest से start करेगा, you know, slide करना on the surface of this circular track. So ये problem हमने already discuss किया है कि जब हमारे पास एक you know circular track है और यहाँ पे topmost point पे एक particle है और आप उसे यहाँ से rest से release करते हो, so कितने angle पे ये जो block है या फिर ये जो particle है ये contact lose करेगा. So हम इसे वापस से डेराइव नहीं करेंगे. कितना आंसर आएगा? cos इनवर्स ऑफ 2/3. कैसे निकालेंगे? नॉर्मल रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, यू हैव टू फाइंड आउट, देन यू हैव टू इक्वेट इट टू 0 टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर व्हिच नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, राइट? सो अगेन इट्स काइंड ऑफ रिपीटेशन, सो इफ यू डोंट नो यू कैन चेक द प्रीवियस वीडियो. फाइन, ओके, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, वी कैन डिस्कस फर्दर. ओके गाइस, कीप वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक.